सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। राज्यपाल के पहुंचने से पहले काले झंडे दिखाकर हंगामा, छात्रों को जीप में डाल कर ले गई पुलिस। दीक्षांत समारोह के लिए पहुंची आनंदीबेन। आगरा में धमाके के साथ आग का गोला बनी कार, आवाज सुन घरों से बाहर निकले लोग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। रेल बनाने में पति पत्नी समेत तीन ट्रेन से कटे गाजियाबाद में, रात 9 बजे पटरी पर वीडियो शूट कर रहे थे, ड्राइवर हॉर्न बजाता रह गया। शिवपाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी, लोकसभा की तैयारियों में जुटी सपा, शिवपाल कर सकते हैं बूथ का नए सिरे से गठन। भौंक भौंक और बच्चे की मौत के बाद कुत्ते को भी सजाए मौत, गांव के लोगों ने घेर कर कुत्ते को गोली से उड़ाया, दो और बच्चों को काटा था। अमित पालर ने की झांसे विधायक की शिकायत, कहा रवि शर्मा के क्रेशर पर प्रदूषकों को मानुका का पालन है, बिना रॉयल्टी के गिट्टी सप्लाई। प्रयागराज में वासु अपहरण कांड का खुलासा, ऑनलाइन जुए में 37 लाख हारने के बाद रची थी दोस्त के अपहरण की साजिश। रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी के हादसे में मौत, पैदल रोड क्रॉस करते वक्त बाइक ने मारी टक्कर, उछलकर दूर गिरे। बदायूं में जमीनी रंजिश में पति पत्नी की हत्या, लोहे की रॉड से पीट पीट कर मारा गया, चाचा और उसका बेटा गिरफ्तार। कन्नौज में पूर्व प्रधान की पीट पीट कर हत्या, चुनावी रंजिश में वर्तमान प्रधान प्रति ने किया हमला, भाइयों के साथ भी मारपीट की। घर में आग लगने से मासूम की जिंदा जलकर मौत, आगरा में बिजली न आने पर जलाई थी मोमबत्ती, पिता पुत्र गंभीर रूप से झुलसे। केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले चुनाव के लिए हम तैयार पर सपा की नीयत खराब, इसलिए लगा रहे अड़ंगा। औरैया में टेल में पानी नहीं पहुंचने से किसान मायूस, शिकायत के बाद भी सिंचाई विभाग मौन, प्रशासन ने समस्या के समाधान ही मांग। आजमगढ़ में मीट का पैसा मांगने पर ढाबे पर लगाई आग, आग से दुकान जलकर हुई खाक, आरोपी उठा ले गए बर्तन, जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में प्राइवेट बस चालक की बड़ी लापरवाही, फोन पर बात करते समय एक हाथ से दौड़ाई बस, यात्रियों की जोखिम में डाली जान। हरदोई में युवक ने बाइक को लगाई आग, फाइनेंस की रकम अदा करने पर देरी होने पर फाइनेंसर कर रहा था परेशान। ऑन ड्यूटी महिला कांस्टेबल के रील बनाने का वीडियो वायरल, राम जन्मभूमि परिसर में बनाई रील्स, एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। महाराजगंज में सिपाही का शव फंदे से लटकता मिला, रात में ड्यूटी खत्म कर कमरे पर आया था, सुबह साथी सिपाही लौटा तो पता चला। अमरोहा में तीन दरोगा और दो सिपाही सस्पेंड, व्यापारी से हुई लूट के खुलासे में बरत रहे थे लापरवाही, एसपी ने जांच के लिए गठित की नई टीम। फिरोजाबाद में कल होगा गायत्री महायज्ञ और विराट संत सम्मेलन, विभिन्न राज्यों के धर्माचार्यों का होगा जमावड़ा, प्रवचन व अध्यात्म पर करेंगे चर्चा।
मदरसों में भी होगी खेल कूद प्रतियोगिता। हापुड़ में तैयारियां शुरू, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होगा खेल कूद पखवाड़ा। ज्वेलर्स शॉप में चोरी करने वाला पति पत्नी का गिरोह ग्वालियर से आकर झांसी में करते थे वारदात, चार महिला समेत सात लोग गिरफ्तार। बीए सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं मिलने पर कोर्ट पहुंची छात्रा, बोली रिजल्ट न देने पर एलएलएम में नहीं हो रहा एडमिशन। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर ने मासूम सहित मां को रौंदा, बाइक सवार पिता हेलमेट की वजह से बचा, ओवरटेक के चक्कर में हुआ हादसा। भदोही में तोड़फोड़ करने पर आठ गिरफ्तार, परिचालक से विवाद के बाद किया था बवाल, टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी से हुई पहचान। अलीगढ़ में होमगार्ड ने लोडर रिक्शा चालक के सिर में मारा डंडा, डंडा लगने से रिक्शा चालक की आई गंभीर चोट। औरैया में सर्दी से लोगों को बचाने के लिए जनपद में जिला प्रशासन ने जगह जगह पर जलवाए अलाव, जिला प्रशासन के साथ पुलिस अधिकारी भी रहे मौजूद। राम जन्मभूमि सुरक्षा ड्यूटी में तैनात चार महिला सिपाही लाइन हाजिर, महिला सिपाहियों के द्वारा बनाया गया था रील्स। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने एशिया पैसिफिक प्रतिनिधियों से की मुलाकात, अर्जेंटीना से खाद्य उत्पादों, कृषि, आईटी इंडस्ट्री का मिलेगा साथ। हमीरपुर में शादी समारोह में सिलेंडर लीक होने से हुआ बड़ा हादसा, हादसे में दो दर्जन से अधिक लोग बुरी तरह से झुलसे। अलीगढ़ में गौरक्षकों को गौ तस्कर बताने वाली बीजेपी के पूर्व मेयर का पुरजोर विरोध, प्रधान संगठन लगाए मुर्दाबाद के नारे। औरैया में सपा विधायक का बड़ा बयान, बोले उत्तर प्रदेश में अब पूरी तैयारी के साथ सपा 40 सीटें जीतेगी। बांदा में 20 वर्षीय लड़की की गला रेत का निर्मम हत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़की के शव को कब्जे को लेकर मामले की जांच में जुटी। औरैया में दो घंटों में नहीं पहुंचे एम्बुलेंस, तड़पता रहा मरीज, पुलिस ने घायल को पहुंचाया शया युक्त जिला अस्पताल। बदायूं में डबल मर्डर से क्षेत्र में मची सनसनी, घर में चारपाई पर लेटी पति पत्नी के सिर में चोट मारकर की गई हत्या, हत्या से क्षेत्र में मचा हड़कंप। औरैया में नवोदय विद्यालय में युवा संसद कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कार्यक्रम को राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि ऋषि पांडे ने किया शुभारंभ। बस्ती में बोर्ड परीक्षा के लिए प्रयागराज ने 2023 के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की, जिले के 137 विद्यालयों को बनाया गया परीक्षा केंद्र। बुलंदशहर में नगर पालिका परिषद प्रशासन स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सख्त, नगर पालिका प्रशासन वाहनों को नगर से कूड़ा उठाने के लिए लगाया। चंदौली में निःशुल्क नेत्र परीक्षण के मौत का खेल, बिना परीक्षण के उपचार से महिला की मौत, परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। बुलंदशहर में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पत्नी की हत्या कर दी, हत्या कराने वाली पत्नी प्रेमी के साथ गिरफ्तार। देवरिया नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज, जनसंपर्क में सभी प्रत्याशी, लोगों से अपनी उपलब्धि बताकर लुभाने में जुटे। गाजियाबाद में मकान मालिक ने की किराएदार की हत्या, मकान मालिक ने चार टुकड़े कर नहर में फेंका।
देवरिया में अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई में निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज। नगर पालिका अध्यक्ष का ऑडियो वायरल, कहा भाजपा में पद के लिए बैठ रहे हैं लोग भिखमंगा। कानपुर में पार्षद विदाई समारोह का हुआ आयोजन। नगर निगम सदन में सभी 110 वार्ड के पार्षदों को दी गई विदाई। कुशीनगर में विधायक और जिलाधिकारी ने पर्यटन थाना का किया उद्घाटन। पुलिस अधीक्षक ने कहा बुद्ध स्थली देश दुनिया के पर्यटक स्थलों में प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार को युवक पर बोला हमला। परिजन ने लगाए गोली मारने का आरोप। रायबरेली में गांव में अचानक आग लगने से गांव में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। संभल पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों पर कार्रवाई न्यायालय में किया गया। रायबरेली नाली निर्माण एवं खरंजा जमकर हो रही धांधी। घटिया सामग्री का किया जा रहा इस्तेमाल। घपलेबाजी को लेकर लोगों में आक्रोश का माहौल। संभल में जिलाधिकारी ने गौशाला का किया निरीक्षण। गोवंश के लिए टाट व झूल पहनाकर आमजन को गौ रक्षा करने के संदेश दिया। शाहजहांपुर में दबंगों द्वारा बीच सड़क पर युवक के साथ की गई मारपीट। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। संभल में तेज रफ्तार दो बाइकों की भिड़ंत। हादसे में एक मौत, दो गंभीर रूप से घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रतापगढ़ में युवक ने लगाए फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप। युवक ने उच्च अधिकारियों को मामले की तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। गोंडा में सरकार की अनोखी पहल से अभिभूत हुए अभिभावक व बच्चे। विकास अधिकारी की अगुवाई में विद्यालयों में डाइनिंग सेट का हुआ निर्माण। ड्यूटी के दौरान महिला सिपाहियों के द्वारा बनाए गए रील का मामला। मामले में लाइन हाजिर के बाद होगी जांच। जांच के बाद किया जाएगा सस्पेंड। बुलंदशहर में हत्या के आरोपी की हुई मौत। हत्या आरोपी किशन पाल की एक अस्पताल के दौरान उपचार के दौरान हुई मौत। गोंडा में नमे विकास के नाम पर डकारे गए 12.48 करोड़। 2019-2020 के ऑडिट में पंचायतों में फर्जीवाड़ा का बड़ा खुलासा। विभागों में मची खलबली। हमीरपुर में ट्रैक्टर पलटने से एक की हुई मौत, दो घायल। असंतुलित होकर ट्रैक्टर तालाब में ट्रैक्टर घुसने से हुआ बड़ा हादसा। दिसंबर को कानपुर आएंगे अखिलेश यादव। जेल में बंद विधायक से मिलेंगे अखिलेश यादव। पार्टी ने जारी किया कार्यक्रम। राजधानी में डेंगू का डंक जारी। लखनऊ में डेंगू के 18 नए मरीज मिले। मच्छर पनपने की स्थिति पर 18 घरों को जारी किया गया नोटिस। संभल में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में एक पक्ष के 6 लोग घायल। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रयागराज में पूर्व विधायक को जान से मारने की मिली धमकी। जेल में बंद खान मुबारक के नाम से युवकों ने फोन पर मांगी 5 लाख की रंगदारी।
संभल में तेज रफ्तार का कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटी, चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। लखनऊ में आग का गोला बनी डीसीएम ट्रक, आग लगने के बाद डीसीएम चालक और पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मियों में मचा हड़कंप। संभल में थाने में बैठकर शराब पीते दिखे थाने का सिपाही, सिपाही का शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जीआईएस 2023 को लेकर यूपी के मंत्रियों का विदेश दौरा, बेल्जियम, यूएई, कनाडा, अमेरिका करेगा यूपी में निवेश। उन्नाव में फेरों के बाद दुल्हन ने लौटाई बारात, दोस्तों के साथ दूल्हा पी रहा था सिगरेट, बोली ऐसे नशेबाज के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। पुलिस चौकी में वकीलों ने युवक को पीटा, वाराणसी में बाइक टकराने के पुराने विवाद को लेकर वकीलों ने कचहरी के पास की मारपीट। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। गैंगस्टर मामले में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने का फैसला सुनाया है। प्रभारी निरीक्षक हसनगंज का सराहनीय कार्य, प्रभारी निरीक्षक ने घायल महिला को निजी वाहन से तुरंत पहुंचाया ट्रामा सेंटर। शामली में लगा जीएसटी कैंप, छापेमारी के बाद व्यापारी नेताओं ने लगा जीएसटी कैंप, 50 व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन कराने की उम्मीद। विधायक पूजा पॉल के खिलाफ गैर जमानती वारंट, अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर मुकदमे में गवाही नहीं देने पर जारी वारंट। गोरखपुर में अलग अलग घटनाओं में दो महिलाओं की मौत, एक के फंदे से लटकती मिली लाश, दूसरी जहर खाकर किया सुसाइड। अवैध खनन के दोषियों पर दर्ज होगी एफआईआर, बस्ती में राजस्व वृद्धि के लिए चिन्हित होंगे नए खनन क्षेत्र, अमीनों से तलब किया स्पष्टीकरण। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। अब